जैन धर्म जिन से बना है, इसका मतलब होता है कि जिन्होंने जीत लिया है। और जीतना किसको है, जैसे कषाय हैं, क्रोध है, मान माया, लोभ राग द्वेष, तो उन सबको जीतना होता है। क्योंकि सबसे बड़े जो शत्रु है वो हमारे भीतर के यही शत्रु होते हैं। जब तक ये भीतर के शत्रु नहीं जीते जाते, तब तक बाहर का शत्रु जीत करके भी वो सुख सुकून चैन नहीं मिलता है। जो इन शत्रुओं को जीत लेते हैं वो जैन कहलाए जाते हैं। तो जैन धर्म के जो साधु साधी है उनको ये मार्ग कठिन नहीं लगता है। और भगवान महावीर स्वामी के समय तो वो राजकुमार राजकुमारियां भी चले जो बिल्कुल कोमल थे। ये कठिन नहीं है, ये मन के मानने से कठिन है। आत्म शुद्धि का मार्ग होने के कारण वो कठिन नहीं है, वो व्यक्ति के मानने से कठिन होती है। कि जब भी किसी की आत्मा जागेगी तो वो किसी भी उम्र में दीक्षा ले सकता है। जैन धर्म में 9-9 वर्ष की उम्र में भी दीक्षा ली है, 10 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली है, और किसी ने 85 और 90 वर्ष की उम्र में भी दीक्षा ली है। जब भी वो अपनी आत्मा के प्रति जाग गया, बस वही अवस्था होती है उसकी दीक्षा लेने की, संन्यास लेने की। क्योंकि दीक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी को जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। तो दीक्षा तो तभी ली जाती है, और वो जागने की कोई भी उम्र हो सकती है। हाँ, मैंने जो दीक्षा ली थी वो बहुत छोटी उम्र में ली थी, करीब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। तो उसी दौरान मैंने पिताजी से जबरदस्ती कह के आज्ञा लेकर के तो गुरु जी के पास पहुँच गई। वहाँ पर हमारे क्रांति मुनि जी महाराज सबसे पहले आए थे, तो उनसे फिर जैन धर्म की थोड़ी नॉलेज मुझे हुई थी। ज्यादा तो नहीं, थोड़ी, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं। और इसके बाद गुन्नी जी महाराज जब पहुंचे वहां पर, तो इन्होंने मुझे प्रेरणा भी दी, स्नेह भी दिया, प्रेम भी दिया। मैंने मना करके छोटी सी उम्र में दीक्षा ली। मैंने कोई कठिन मार्ग चुन लिया या मैंने गलती कर ली, मुझे बल्कि यही लगता है कि शायद मैं बहुत सारा गृहस्थी का जीवन निभा भी नहीं सकती थी। पूर्व जन्म में कहीं मेरी साधना छुट्टी होगी, इसलिए मुझे कभी ये न कठिन लगा है, मेरे लिए पश्चाताप नहीं हुआ कि मैंने कोई गलत मार्ग चुना। हाँ जी महाराज साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैन धर्म का क्या स्वरूप है? जैन धर्म जिन से बना है, जिनेश्वर देवों के द्वारा ये प्रूपित धर्म होता है। इसका मतलब होता है कि जिन्होंने जीत लिया है। और जीतना किसको है, जैसे कषाय हैं, क्रोध है, मान माया, लोभ राग द्वेष, ये जो संसार का स्वरूप बढ़ाते हैं और जिससे आत्मा का अशुद्धिकरण ज़्यादा हो जाता है, तो उन सबको जीतना होता है। क्योंकि सबसे बड़े जो शत्रु है वो हमारे भीतर के यही शत्रु होते हैं जो हमें दुख के अंदर गिराते हैं। लोग जोर लगाते हैं बाहर के शत्रुओं को जीतने में, तो बाहर के शत्रु आप कितने भी जीत लो, जब तक ये भीतर के शत्रु नहीं जीते जाते, तब तक बाहर का शत्रु जीत करके भी वो सुख सुकून चैन नहीं मिलता है। क्योंकि बाहर के शत्रुओं को जो पैदा करता है वो ये सारे भीतर के शत्रु होते हैं, इन्हीं से बाहर के शत्रु पैदा होते हैं। और अगर व्यक्ति में ये क्रोध ही ना रहे, मान माया लोभ ना रहे, राग द्वेष ना रहे, तो ये भीतर के बाहर के शत्रु भी पैदा नहीं होंगे, इन्हीं चीज़ों से पैदा होते हैं। तो इसलिए जैन धर्म के अंदर इनको जैन धर्म इसीलिए कहा गया, जो जीतने से बना है, कि जो लोग इसकी ऐसी साधना करते हैं कि जो इन शत्रुओं को जीत लेते हैं वो जैन कहलाए जाते हैं, उनको ही जिनेश्वर देव कहा जाता है, यानी उन्होंने जीत लिया। और जो इनके साधक होते हैं वो पूरी तरह चाहे जीत तो नहीं पाते, लेकिन इसकी और इस मार्ग पर वो बढ़ते हैं, धीरे धीरे कदमों से चलते हैं और थोड़ा थोड़ा इन क्रोध इन कषायों को जीतते हैं। तो जीतने से जैन धर्म का स्वरूप बना है। इनकी साधना सिर्फ जीतने से है, कषायों को, भीतर के शत्रुओं को जीतना। महाराज साहब कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है आप अगर अपनी मतलब जिंदगी, निजी जिंदगी को छोड़कर एक साधु जीवन अपनाएं और उसी के मार्ग पर आपका चलना है, कहते हैं कि बहुत कठिन मार्ग होता है साधु का जीवन, साध्वी का जीवन। तो आपके हिसाब से जैन धर्म में साध्वी का जीवन की क्या परिभाषा? हाँ, तो जैसे आपने कहा कि साधु जीवन या साध्वी जीवन जैन धर्म के अनुसार बहुत कठिन होता है। कठिन उसके लिए होता है जिसके मन के अंदर धर्म की लगन नहीं है, जो संयम की प्यास नहीं है, जिसको संसार की प्यास है, सुख सुविधा चाहिए, तो उसके लिए कठिन होता है। लेकिन जिसको इसकी लगन है, इसके प्रति प्रेम है, इसके प्रति रस है, उसको कठिन नहीं लगता है। कठिनता की यदि हम परिभाषा देखते हैं तो जिस व्यक्ति का जिसके प्रति दीवानगी है, जुनून है, उसके लिए वो चीज़ कोई कठिन नहीं होती। तो जिसके प्रति हमारा कोई रस नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो छोटी सी चीज़ भी कठिन हो जाती है। तो जैन धर्म के जो साधु साध्वी है उनको ये मार्ग कठिन नहीं लगता है, इसलिए छोटे छोटे जो साधु संत है वो भी चलते हैं। और भगवान महावीर स्वामी के समय तो वो राजकुमार राजकुमारियाँ भी चले जो बिल्कुल कोमल थे, जिनको फूलों की शैया पे जो चलते थे, इतने कोमल कोमल राजकुमार राजकुमारी, उन्होंने भी इतना इतना तप किया कि लगातार मास का मन तप, महीने का तप, महीने का तप, फिर एक दिन खाना, महीने का तप, और तप कर करके अपने पूरे शरीर को सजा लिया, उनको कोई कठिन नहीं लगा। तो ये कठिन होता तो ऐसे राजकुमार, ऐसे कोमल कोमल छोटे बच्चे इस पर कैसे चलते। ये कठिन नहीं है, ये मन के मानने से कठिन है कि जब व्यक्ति की
लगन नहीं होती और उसका लगन ध्यान संसार में होता है तो उनको कठिन लगता है। यदि आप हमें पूछे तो हमें संसार कठिन लगता है, हमें लगता है ये गृहस्थी बेचारे कितने दुखी, कितने परेशान रहते हैं, कितनी चिंता लेकर के ये हमारे पास आते हैं, जब अपना दुख बताते हैं तो हमें लगता है ये गृहस्थ जीवन बहुत कठिन है। तो शायद हमारी साधना है जहाँ हमारा कोई जन्म जन्म के संस्कार है कि हम इधर आए, तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि गृहस्थी जीवन जो है वो बहुत कठिन है, कि हमारे से भी ज़्यादा कठिन व्रत जो है वो ग्रस्त लोग निभाते हैं। तो साधना जो है वो आत्म शुद्धि का मार्ग होने के कारण वो कठिन नहीं है, वो व्यक्ति के मानने से कठिन होती है। महाराज साहब, किस उम्र में पता लगता है कि अब हमें साध्वी या साधु जीवन में हमें जाना है या हमें अपनी गृहस्थी छोड़नी है? क्योंकि कहते हैं ना, ये हमें अंदर से एक भाव होता है हमारा, हम बचपन से हो या बच्चा जब बड़ा होता है, बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है, तब कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है मन में। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होता है ये? हाँ, किस उम्र में साधु बनना चाहिए और किस में ये भाव आएगा, ये कोई अपने हाथ में नहीं होता कि किस उम्र में बनना है। ये तो आत्मा की जागरण की स्थिति है कि जब भी किसी की आत्मा जागेगी तो वो किसी भी उम्र में दीक्षा ले सकता है। जैन धर्म में 9-9 वर्ष की उम्र में भी दीक्षा ली है, 10 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली है, और किसी ने 85 और 90 वर्ष की उम्र में भी दीक्षा ली है। कि जब भी कोई जाग गया, कोई बचपन में जाग गया तो उसने बचपन में दीक्षा लेगी, कोई जवानी में जाग गया तो उसने जवानी में दीक्षा ले ली, और कोई बुढ़ापे में जाग गया तो बुढ़ापे में दीक्षा लेगी। जब भी वो अपनी आत्मा के प्रति जाग गया, बस वही अवस्था होती है उसकी दीक्षा लेने की, संन्यास लेने की। क्योंकि दीक्षा एक ऐसी चीज़ है जो किसी को जबरदस्ती नहीं दी जा सकती, और जबरदस्ती अगर आप दे भी देंगे तो वो निभा नहीं सकता उसको, क्योंकि वो उसमें बंधन महसूस करेगा। तो दीक्षा का जो संबंध है वो आत्मा की जागरण के साथ जुड़ा हुआ है, और किसने कब जागना है, कौन सी घटना, कौन सा शब्द उसके जागने में निमित्त बनेगा, वो पता ही नहीं है। कि जब व्यक्ति संसार में गुजरता है तो कई लोगों के लिए ऐसी घटनाएँ उसके जागने का निमित्त बन जाती है, उन घटनाओं को देख करके उनकी आत्मा जाग जाती है, संसार में कुछ ही नहीं है, विरक्ति आ जाता है उनको। और कई लोगों को प्रवचन सुनते सुनते आ जाता है कि जो बताया जा रहा है, कई लोगों को ग्रंथ पढ़ते पढ़ते आ जाता है। तो घटना कोई भी उसके लिए कारण बन सकती है, लेकिन जब कोई भी घटना उसके लिए कारण बनती है, उसकी आत्मा जागती है, तो दीक्षा तो तभी ली जाती है, और वो जागने की कोई भी उम्र हो सकती है, किसी भी। माने सर, जैसे कि आपने बताया कि दीक्षा की कोई भी उम्र हो सकती है और ये भाव अपने आप में नहीं, मतलब आत्मा के तृप्त होने के टाइम पर आता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने दीक्षा ली थी तो आपका क्या भाव था और किस उम्र में आपने दीक्षा ली थी? हाँ, मैंने जो दीक्षा ली थी वो बहुत छोटी उम्र में ली थी, करीब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी, और मैं 7वीं में का लास्ट तो क्लियर की थी मैंने, 8वीं में अभी मेरी एडमिशन हुई थी। तो उसी दौरान मैंने पिताजी से ज़बरदस्ती कह के आज्ञा लेकर के तो गुरु जी के पास पहुंच गई थी, और 8वीं की क्लास मैंने बाद में की है। तो ये जो उम्र होती है इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसको कोई संसार की बहुत ही नॉलेज है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मेरी जो दाढ़े थी वो दीक्षा के बाद निकली हैं, दूध की दाढ़े हैं जो। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसार की दीक्षा के बाद ही हुई हैं, तो मुझे ये तो नहीं कह सकते कि संसार से कोई दुख था या संसार की मुझे कोई नॉलेज थी, मैंने संसार की उस पीड़ा को समझा तो इसलिए मतलब कि मैंने दीक्षा ली, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि बचपन से ही हमारा जो परिवार था वो बहुत आध्यात्मिक रहा था, कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और ताया जी, वो सारा दिन किसी ने रामायण पढ़नी है, किसी ने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना है, तो इस प्रकार वो बच्चों में भी यही सारी कहानियाँ सुनानी उनकी, तो बातें बतानी। तो बचपन में मुझे इतना तो जरूर याद है कि मैं बचपन में एकांत में बैठ के कभी कभी ये तो जरूर सोचा करती थी कि ये शरीर जो है ये किसका बना है, ये इसको हाथ लगा के चुके देखती थी, ये कहते हैं तन मिट्टी का बना है, ये मिट्टी तो नहीं है चमड़ी, ये किसने बनाई, आखिर कैसे बने, क्यों मर जाते हैं हम, क्यों जन्म जाते हैं हम, क्यों पैदा होते हैं। लेकिन इन आंसरों का मेरे पास कोई आंसर तो होता नहीं था, इन प्रश्नों का ये मन में उठते थे। और वैसे मतलब कि वहाँ पर हमारे क्रांति मुनि जी महाराज सबसे पहले आए थे, तो उनसे फिर जैन धर्म की थोड़ी नॉलेज मुझे हुई थी, ज़्यादा तो नहीं थोड़ी, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं, लेकिन उनका प्रवचन को सुन के, उनके भजन को सुन के, तो मैं घर में ये खेल जरूर खेलती थी जब मैं 7-8 साल की थी, कि थोड़े बच्चे इकट्ठे करके मुझे क्रांति मुनि जी महाराज बन के और उन सबको प्रवचन सुनाना है, भजन सुनाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्व जन्म के कोई संस्कार थे, और इसके बाद गुन्नी जी महाराज ये पहुँचे वहाँ पर, फिर इनके संपर्क में जब मैं आई तो इन्होंने मुझे प्रेरणा भी दी, स्नेह भी दिया, प्रेम भी दिया। तो ज़्यादातर तो गुरनी जी महाराज का स्नेह था जिसके वशीभूत में हुई, और उसके साथ साथ मेरे ये सारे संस्कार भी थे। तो परिवार का बहुत विरोध भी था, वो नहीं चाहते थे कि मैं इस मार्ग पे चलूँ, क्योंकि हम सिख धर्म को मतलब के वो बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो सारा था कि आप इधर क्यों जा रहे हैं। फिर गाँव में थे वो लोग,
और उनकी सोच थी कि ये सड़कों पर घूमती हैं, इनका कोई बाली वारस तो है नहीं, लड़कियों का जमाना है इस प्रकार सड़कों पर घूमना, क्योंकि उनको जैन धर्म की ये व्यवस्था पता नहीं थी कि ये एक अच्छी व्यवस्था के तहत होता है, एक समाज होता है, उनको अगर वो सड़कों पर विचरण भी करते हैं तो पूरी व्यवस्था के साथ विचरण करते हैं, पूरे समाज की ड्यूटी रहती है, पूरी सुरक्षा मिलती है, ऐसा नहीं है कि असुरक्षा यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं थी उनको, तो ये था कि जो साधु बन गया फक्कड़ साधु बन गया अब उसका कौन है, तो लड़कियों का जमाना नहीं है, तो इसलिए मुझे आज्ञा मिलने में काफ़ी दिक्कत काफ़ी टाइम भी लगा, लेकिन वो मेरे पूर्व जन्मों की दृढ़ता थी कि इतने बाल रूप में भी मैंने अपनी जिद को पकड़ करके और उन सबको मनाया और मैंने मना करके छोटी सी उम्र में दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कोई कठिन मार्ग चुन लिया या मैंने गलती कर ली, मुझे बल्कि यही लगता है कि शायद मैं बहुत सारा गृहस्थी का जीवन निभा भी नहीं सकती थी और वो मेरे बस की बात भी नहीं थी, मेरे लिए यही मार्ग बना था। तो हम यही कह सकते हैं कि पूर्व जन्म की साधना जुड़ी होती है, पूर्व जन्म में कहीं मेरी साधना छुट्टी होगी, और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि मैंने जैसे प्रतिक्रमण जैन धर्म का होता है तो वो मैंने 8 दिन में किया, लोगस का पाठ गुन्नी जी ने पढ़ाया, मैंने 1 ही घंटे में याद करके सुनाया, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने पहले ये कहीं पढ़े हैं या किसी साधु संत से किए हैं कि इतनी जल्दी लर्न कैसे होती है, तो मैंने इनको कहा था कि नहीं मैंने नहीं ऐसे किसी से नहीं पढ़ा, पहली बार आपको ही सुना रही हूँ। तो ऐसे गुन्नी जी महाराज फिर यही कहते थे कि ये इसके पूर्व जन्म का ज्ञान है जो इतना जल्दी इसको पिकअप करती है, जो इतना जल्दी सीखती है, जितनी जल्दी हर बात का जवाब देती है, तो ये इसका पूर्व जन्म की साधना है, छुटा हुआ ज्ञान है। और मुझे जब मैं पढ़ती हूँ थी 10वीं कालक सूत्र पढ़ा, प्रतिक्रमण किया, तो मुझे ऐसे नहीं लगता था मैं नया कुछ अक्षर सीख रही हूँ, क्योंकि पंजाबी भाषा से थी और मेरी टंग बिल्कुल ही प्योर पंजाबी थी और गुरुमुखी थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी कि मैं तल के मैं कुछ नया पढ़ रही हूँ, मैं कबलरी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि मुझे यही लगता था कि मैं कुछ रिवाइज कर रही हूँ, मैंने पहले कहीं पढ़ा है। तो यही कह सकते हैं कि पूर्व जन्म की मेरी साधना इसके साथ ही रिलेटेड थी, इसलिए मुझे कभी ये ना कठिन लगा है ना मुश्किल लगा है, तो इसीलिए मैंने छोटी उम्र में इसको स्वीकार करके भी और पूरी ज़िंदगी में मैं कभी मेरे लिए पश्चाताप नहीं हुआ कि मैंने कोई गलत मार्ग चुना है। महाराज सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो एक रिलेशन था गुरनी महाराज जी के साथ बहुत ही प्योर था, मैं आपसे इसी के बारे में पूछना चाहूँगी कि गुरु का क्या महत्व होता है, गुरु क्या होता है? गुरु जो होते हैं वो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं, गुरु जो होते हैं उनके लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान को मिलाने का काम तो गुरु ही करते हैं। आज मैं जो भी हूँ वो गुरु के कारण हूँ, आज मैं आपसे जो बातें बता रही हूँ, जैन धर्म के बारे में बता रही हूँ, आत्मा की शुद्धिकरण के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो गुरु की वजह से है। आज मैं जो प्रवचन भी दे रही हूँ लोगों को, आज जो भी मार्गदर्शन कर रही हूँ, तो वो गुरु की वजह से है। इसलिए गुरु वह होता है जो हमारे आत्म स्वरूप की ओर हमें बोर्ड देता है, जो हमारी आत्मा की शुद्धिकरण का मार्ग हमें बताता है, जो हमें प्रकाश देता है, अज्ञान का अंधकार हमारे जीवन से हर लेता है, जो हमारे जीवन से अवगुणों को हर लेता है, हमें अनुशासन देता है गुरु। गुरु का व्यवहार बाहर से देखो तो कठोर जरूर लगता है, क्योंकि गुरु एक संयम का पूरा अनुशासन देता है हमें, तो लगता है कि हर चीज़ के लिए गुरु बंधन लगाता है, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये नहीं करना वो करना, लेकिन उसी से गुरु जीवन को संवारता है। वो गुरु का जीवन, गुरु का तरीका होता है वो, तो कि इस बच्चे का जीवन मैंने कैसे संवारना है। जैसे कुम्हार होता है, गुरु बिल्कुल वैसा होता है, कुम्हार घड़े को बनाता है, नीचे हाथ भी रखता है कि इसके पे कोई खरोंच ना आ जाए, या पूरा अपना आकार ले ले और ऊपर से पूरी थपकियां देता है, वही काम गुरु का आता है। गुरु ऊपर से सारे नियम देता है, अनुशासन देता है, और पूरी कठोरता से संयम पालने के लिए भी वो कहता है कि सारे रूल्स को आप पूरी उससे फॉलो करो, अगर कहीं भी उस रूल्स के अंदर हम ढील देते हैं तो वो वहाँ पर प्रायश्चित भी देता है गुरु, लेकिन अंदर उनके वही हाथ होता है कि जिस मकसद के लिए ये शिष्य चला है, बच्चा आया है, उसकी आत्म शुद्धि का मार्ग वो प्रशस्त हो जाए, उसका रास्ता प्रशस्त हो जाए। इसलिए गुरु का तो जितना उपकार होता है उतना मुझे नहीं लगता किसी और का उपकार होता होगा, क्योंकि भगवान को तो हमने देखा नहीं है, भगवान का उपकार हमारे पर है पर वो अज्ञात है, जो हमें दिखता नहीं। गुरु तो वो साक्षात भगवान है जो सामने हमें दिख रहा है और हमारे ऊपर साक्षात उपकार कर रहा है, और उस भगवान तक पहुँचाने का उपकार, भगवान की वाणी से जोड़ने का उपकार, ये भी तो गुरु का होता है। इसलिए गुरु का महत्व जीवन के अंदर बड़ा होता है, जब तक गुरु के प्रति विनय नहीं होती तब तक जीवन में ज्ञान नहीं आ सकता, और अगर वो ज्ञान सीख भी लेता है और वो ज्ञान दुनिया को बांटता है तो दुनिया उस ज्ञान को फॉलो नहीं करती है, दुनिया उसी व्यक्ति के ज्ञान को फॉलो करती है जो गुरु के प्रति विनयवान होता है, गुरु की महिमा को जान लेता है, गुरु की जो भक्ति करता है, तो ज्ञान भी उसी का फलित होता है जो गुरु की भक्ति करता है, तो इसलिए गुरु का बहुत महत्व है जीवन में। सही है।
यहाँ पे मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी है। जैसे कि आपने बताया कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते थे जब आपने दीक्षा नहीं ली थी, तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या जैन धर्म में जिसने अगर दीक्षा लेनी है तो वो किसी भी धर्म का हो सकता है? हाँ, मतलब कि जिसने दीक्षा लेनी है जैन धर्म में, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, क्योंकि धर्म का जो स्वरूप है, ये जो लेबल लगाए हैं हमने, ये जैन धर्म है, ये सिख धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये तो हमारे लगाए हुए लेबल है। ये भगवान ने कोई लेबल किसी धर्म का नहीं लगाया है। भगवान ने तो, महावीर ने तो धर्म की परिभाषा इतनी सुंदर की है, इतनी सुंदर की है, उनसे तो जब पूछा कि धर्म किसको कहते हैं, तो उन्होंने तो यही बताया कि बत्थु सहावो धम्मो, कि वस्तु का जो स्वभाव होता है वो धर्म होता है। वस्तु का जो तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है वो धर्म है। तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है क्षमा, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है सरलता, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है विनम्रता। तो जब जब तुम क्षमा में हो तुम धर्म में हो, जब जब विनय विनम्रता में हो धर्म में हो, जब जब सरलता में हो धर्म में हो, जब जब वितराग में हो धर्म में हो, और जब जब क्रोध में हो धर्म में हो। अब जो मर्जी लेवल लगा के बैठे रहो, माला पकड़ के बैठे रहो, समय करके बैठे रहो, पूजा करी जाओ, अगर भीतर क्रोध चल रहा है तो तुम अधर्म में बैठे हो। भीतर तुम्हारे लोभ चल रहा है धर्म करते फिर पकड़ के माला बैठे रहो, तो भी तुम्हारे भीतर तुम अधर्म में बैठे हो। बाहर से ही दिख रहा है कि तुम धर्म में बैठे हो, अंदर से तो तुम अधर्म में बैठे हो। भीतर तुम्हारे अहंकार है, मैं बहुत श्रेष्ठ धार्मिक व्यक्ति हूँ, और तुम इधर से पूजा भी कर रहे हो कि मेरी जैसी पूजा किसी की नहीं है, तो तुम अधर्म में हो, वो करते हुए भी अधर्म में हो। तो भगवान ने परिभाषा धर्म की यही किया, लेवल है ही नहीं अधर्म का, ये लेवल तो हमारे लगाए हैं। धर्म का कोई लेवल नहीं, धर्म जो है वो आत्मा का शुद्धिकरण है। धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारी आत्मा की क्षमा, हमारी आत्मा की सरलता, हमारी आत्मा के सद्गुण, हमारी आत्मा की विनम्रता, विनय, वीतरागता, ये सारे जो सद्गुण है वो धर्म है। वो जिसने अपना लिया वो धर्म में है, जिसने नहीं अपनाया वो अधर्म में है। ये लेवल तो हमारे दिए हुए हैं, इसलिए सारे धर्म भी अगर इस स्वभाव तक पहुंच रहे हैं कि वो क्षमा, शांति, सरलता इस तक पहुंच रहे हैं, तो सारे धर्मों का स्वरूप एक ही है। लेकिन अगर वो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहरी क्रिया को पकड़ के बैठे हैं, तो फिर वो कोई भी धर्म है वो धर्म नहीं है। वो चाहे फिर कोई भी धर्म है, कोई भी लेवल है, उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए भगवान महावीर का जो धर्म है, तो वो तो सबके लिए द्वार खोलता है। इतना सुंदर है महावीर का धर्म कि वो तो सबको समान भावों से देखता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है नमकार महामंत्र, सबसे बड़ा। उस मंत्र में भी सभी को नमस्कार है, किसी एक जैन का नाम ही नहीं है। नमो अरिहंता, नम अरिहंत, ये नहीं है महावीर अरिहंत को नमस्कार, ऋषभदेव अरिहंत को नहीं, अरिहंत। अरिहंत का मतलब जिसने राग द्वेष को जीत लिया वो अरिहंत है। वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी देश का है, उन सबको ही नमस्कार है। ऐसी साल सिद्धों को जिन्होंने कार्य सिद्ध कर लिया, आत्म शुद्धि कर ली, उन सबको ही नमस्कार है। तो इतना बड़ा जो सबसे बड़ा इनका मंत्र है, उसी में ही कोई लेवल नहीं है। कोई अरिहंत के लिए लेवल नहीं है, कोई सिद्ध भगवान के लिए लेवल नहीं है, कोई आचार्यों के लिए लेवल नहीं है, किसी का नाम नहीं है। तो ये जैन धर्म जो है, तो वो सारे धर्मों को इसलिए स्वीकार करता है, सारे धर्मों के लोगों को भी स्वीकार करता है। किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है इसमें दीक्षा ले सकता है, किसी भी जाति का जो व्यक्ति है वो दीक्षा ले सकता है। इसका एक ही मकसद है, आत्मा का कल्याण करना, और अपनी आत्मा का कल्याण करने का अधिकार हर जीव को है। उसका अधिकार छीना नहीं जा सकता कि तुम अगर जैन नहीं हो तो तुम हमारे यहाँ कल्याण नहीं कर सकते हो। तो भगवान ने इसलिए नवकार महामंत्र भी सबको दिया है कि सभी आत्माओं का अधिकार है अपनी आत्मा का कल्याण करना, मुक्ति को पाना, मोक्ष को पाना, संसार के बंधनों को तोड़ना, जन्म मरण से मुक्त होना सबका अधिकार है। तो वो सबका अधिकार सबको मिलना चाहिए। इसलिए किसी भी धर्म में व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, अगर उसकी इच्छा तो वो जा सकता है। जी, सबसे अब आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने देखा कि बच्चे आजकल भटक रहे हैं अपने मार्गों से, उनका ज़्यादा ध्यान होता है फ़ोन पर या फिर गैजेट्स ही, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या चीज़ है, या हमें भावना के साथ हमें आस्था भी करनी चाहिए, हमें नाम भी जापना चाहिए, बट ऐसा सा कुछ भी नहीं है आजकल। आप देख सकते हैं आज का युग चल रहा है, तो आपका उस पर क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो अभी अपने या उनके माँ बाप भी इसमें इस चीज़ों में अपने आप को नहीं योगदान देते अपना, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें जो बच्चे जो हैं वो धर्म में रुचि कम ले रहे हैं, उनका मीडिया में ज़्यादा रुचि है। तो एक तो समय का भी प्रभाव है, क्योंकि ऐसे समय में मीडिया इतना चल रहा है कि हर किसी की जेब में सिनेमा है, तो उसके कोई कितना कंट्रोल करेगा। तो उसका भी प्रभाव है समय का, और उसमें बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है उसमें माता पिता का भी है। कि माता पिता जो है अगर प्रारंभ से ही बच्चे को साधु संतों के पास लाएँ, धर्म के साथ जोड़ें, तो फिर वो बच्चे भटकते नहीं हैं। जिन परिवारों के माँ बाप ने बच्चों को धर्म के साथ जोड़ के रखा, साधु संतों के पास आते रहे, वो सारे बच्चे व्यसनों से बचे हुए हैं और सारे ऐसे कामों से बचे हुए हैं।
हैं, उनकी धर्म में रुचि है। बहुत नौजवान भी है जो बहुत धर्म में रुचि ले रहे हैं, बल्कि बहुत नौजवान तो आजकल दीक्षा ले रहे हैं। राजस्थान महाराष्ट्र में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो IAS है, डॉक्टर हैं, वो पढ़ाई करके दीक्षा ले रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि सारे नौजवान जो आज के बच्चे हैं उनकी धर्म में रुचि नहीं है। बहुतों की है, जिनके पेरेंट्स ने उनको संस्कार दिए, अच्छे संस्कार दिए, उनकी है। तो बच्चों की इस धर्म में रुचि क्यों नहीं है, उसमें सबसे बड़ी गलती जो होती है वो माँ बाप की होती है। क्योंकि बच्चों की जो संस्कार देने की भूमिका है ना, वो बड़े होने के बाद नहीं है, वो भूमिका उनकी गर्भ में ही है। कि गर्भ में जब बच्चा होता है उस समय अगर उनके माँ बाप देखो वो धर्म आराधना करें, अच्छे साधु संतों से जुड़े, तो बच्चे को धर्म की रुचि होगी। उस समय अगर उनके नई नई शादी हुई है उनको ही रुचि नहीं है, वो ही अपने भोग विलास में लगे हैं, वो TV के सामने बैठे हैं, सिनेमा में जाके देख रहे हैं, तो वो बच्चे मोबाइल ही तो पकड़ेंगे ना। उन्होंने गर्भ के अंदर सीखा क्या है? अब देखो अब छोटा सा बच्चा होता है तो वो छोटा सा बच्चा भी ना 1.5 साल का पूरी तरह से YouTube को अच्छे से खोलेगा, मोबाइल को खोलेगा, कहाँ से सीखा उसने? गर्भ से सीखा ना, माँ से सीखेगा। छोटा सा बच्चा मेरे पास एक व्यक्ति लेके आया कि वो 7-8 महीने का था, तो उसने कहा मैसा मैं इसका दिखाऊं आपको कि ये कितना होशियार बन रहा है। मैंने कहा क्या कहते, इसके पास कोई भी गाना लगा दो तो ये नाचने लग जाता है। उसने मोबाइल पे गाना लगाया और बच्चा ऐसे ऐसे टांगों को हिला के बाजू को हिला के नाच रहा है। तो कहाँ से सीखा उस बच्चे ने? गर्भ से सीखा ना। तो गर्भ जिस समय गर्भ में होती है लेडीज, उस समय अगर वो प्रॉपर ध्यान दे कि मैं एक कृति को जन्म दे रही हूँ, मैं एक किसी एक इंसान की रचनाकार बन रही हूँ, मैं शिल्पकार बन रही हूँ, मैंने किसी को रचना करनी है, मैंने वो अगर वो ये समझ के उस समय अगर वो धर्म में लगे तो उन बच्चों की निश्चित ही रुचि धर्म में लगती है। और उस समय माता पिता धर्म नहीं करते तो इसलिए बच्चों के भी धर्म में नहीं लगते हैं। तो इसमें ज़्यादा गलती बच्चों की तो नहीं निकाली जा सकती। मैं माता पिता को संदेश देना चाहती हूँ कि जो माता पिता है वो अपने बच्चों का निर्माण सुसंस्कारों से करें, और वो सुसंस्कार की जो नींव है वो गर्भ से तैयार होती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि जब भी कोई बच्ची या बहू उसने मतलब कि गर्भवती होती है तो उस समय उसको ज़्यादातर अध्यात्म में शांति के साथ है और बहुत ज़्यादा ही सादगीपूर्ण जीवन जिए, ताकि ऐसे बच्चे पैदा हों कि जो आज्ञाकारी हों, अच्छे समाज का निर्माण कर सके, जो आदर्श संस्कार नागरिक बन सके, जो धर्म के साथ जुड़ सके। लेकिन फिर भी मेरा बच्चों को भी संदेश है कि वो जो है बच्चे जो है अगर उन्होंने जीवन के अंदर कामयाब बनना है, अगर जीवन के अंदर सुकून को पाना चाहते हैं तो उन बच्चों को स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। बिना स्पिरिचुअल होए ना तो किसी को कामयाबी मिलती है और ना ही किसी को शांति मिलती है। तो बच्चे जो हैं अगर वो ऐसे एम्बिशियस हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं तो उनको साथ में अध्यात्म को लेके चलें वो बच्चे, तो उनको अवश्य ही जो है सफलता वो मिलेगी। ये मेरा बच्चों को भी संदेश है कि वो भी स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करें, ये व्यसनों को छोड़ें। व्यसन करने वाले तो कभी कहीं पहुँचे ही नहीं हैं, तो इसलिए वो व्यसनों को छोड़ें और जितने भी गलत संस्कार हैं उनको छोड़ें, एक आदर्श इंसान बने। जितने जीवन के अंदर वो गुणों को लेके आएंगे, सद्गुणों को लेके आएंगे, उतने जीवन में चाहे वो भौतिक क्षेत्र है, चाहे सामाजिक क्षेत्र है, चाहे व्यापारिक क्षेत्र है, चाहे आर्थिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें वही लोग कामयाब हैं जिनके जीवन सद्गुणों से भरे होते हैं, जो स्पिरिचुअल के साथ जुड़े होते हैं, जो सुसंस्कारों के साथ जुड़े होते हैं। तो उनसे बच्चों को संदेश लेना चाहिए कि वो सुसंस्कारी बने, तभी उनको कामयाबी मिलेगी, एक अच्छे इंसान बनेंगे। महाराज साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो मुझे ज्ञान की बातें बताई, हो सकता है कि मेरे फ्यूचर में आज ही के दिन से इम्प्लीफाई होने लग जाए। और उम्मीद करती हूँ कि हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे और ऐसे ही आप मुझे ज्ञान की बातें बताते रहेंगे और ज्ञान के सागर में आप मुझे लेते जाते रहेंगे। आपसे ऐसी ही मुलाकात होती रहेगी, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे ही हमें देखते रहें, और आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।